अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94249588। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है तरंग न्यूज़ फॉरम अभिघांस। बता दें, ब्लैकमेलिंग की लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, जहां पर देखा जाता है कि पहले तो यहां पर भरोसा जीता जाता है, भरोसा जीतने के बाद उनको धमकी दी जाने लगती है कि हम तुम्हारी यह फोटो या फिर यह वीडियो वायरल कर देंगे, जिसके बाद से यहां पर मन में शंका उत्पन्न होती है और फिर उसके बाद से गुनाह पर गुनाह कर दिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। जहां मामला सामने आया रीवा जिले से, मध्य प्रदेश का रीवा जिला लगातार सुर्खियों में बना ही रहता है। कुछ ऐसे मामले जो उसको किसी न किसी तरह से एक ऐसे स्थान पर पहुंचा ही देते हैं कि नाम उच्च स्तर पर पहुंच ही जाता है। जैसे अभी एक मामला निकलकर सामने आया था रीवा जिले में रेप कांड, जिसमें पति के सामने पत्नी के साथ रेप किया गया था। फिर एक मामला निकलकर सामने आया है जहां रीवा जिले का नाम फिर से यहां पर कुछ ऐसी हरकतों के कारण इंटरनेशनल तौर पर यहां पर देखा जा सकता है कि इंटरनेशनली यह नाम सामने आया है रीवा जिला। तो कैसे आया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रीवा जिला का नाम और सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। जहां बता दें आप लोगों को कि यह पूरा मामला रीवा जिले का बताया जा रहा है, जहां सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की गई और फिर ब्लैकमेलिंग यहां पर करनी शुरू कर दी गई। मामला अब इंटरपोल और सीबीआई की जांच के दायरे में पहुंच चुका है। कहानी एक नाबालिग लड़की की है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। यह घटना बताती है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा सकती है और डाल भी रही है। यह सोशल मीडिया का ओवर यहां पर यूज बोले या फिर यहां पर यह बोला जाए कि कुछ ऐसे लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत रास्ते पर और गलत तरीके से करते हैं, उसका भी यहां पर परिणाम देखा जा सकता है। साल 2021 की बात है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली नाबालिग लड़की जिसे ऑनलाइन दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं था, इंस्टाग्राम पर रीवा के युवक अंकुर शुक्ला से जुड़ी है, जहां बातचीत के सिलसिले ने जल्दी ही दोस्ती का यहां पर रूप ले लिया, लेकिन यह मासूम बातचीत धीरे धीरे यहां पर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती चली गई, जहां अंकुश ने बातचीत के दौरान लड़की पर विश्वास जीत कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हासिल कर लिए। यही उसकी चाल थी, जिसके बाद अंकुर ने लड़की को यहां पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे बार बार धमकी देता कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर देगा या फिर वायरल कर देगा। हालात तब बदतर हो गए जब अंकुर ने लड़की को दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां तक दे डाली। लड़की डर के मारे टूटने लगी, उसने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अंकुर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह कदम उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। अंकुर ने अपना तरीका बदला, उसने अब व्हाट्सएप पर यहां पर आ करके व्हाट्सएप पर उसके नंबर पर जा करके फिर धमकियां देना शुरू कर दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक लड़की ने आखिरकार अपने परिवारजनों को यहां पर इसके बारे में सूचना नहीं दे दी। पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई गई। यहां लड़की के परिजनों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, इंटरपोल का दखल हुआ। इंटरपोल ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और इसे भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया। 17 मई 2024 को सीबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन डिविजनल जो है दिल्ली ने अंकुर शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला बेहद संवेदनशील था और इसमें आरोपी को पकड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने की भी जरूरत देखी जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मामले की गंभीरता को यहां पर समझते हुए सीबीआई की जांच की कार्यवाही को अनुमति दे दी है। राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और किसी तरीके की इसमें बाधा ना आए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोशल मीडिया जो दोस्ती और संपर्क का साधन है, एक दूसरे में मित्रता बढ़ाने के लिए है, लेकिन यह किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ वह समाज के लिए एक चेतावनी है। अब सीबीआई के हाथों में मामला है, वहीं आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कानून इस मामले पर क्या और कैसे न्याय करता है। यह कहानी न सिर्फ एक साइबर अपराध की है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सावधानी और सतर्कता से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सोशल मीडिया की आवासीय दुनिया के किसी भी ऊपर
यहाँ पर भरोसा कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, तो किसका मूड स्विंग हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। बने रहिए तरंग न्यूज़ पर, मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।